अभिनय का समय दिया है क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों नाम अजीत है, बाय प्रोफेशन टीचर। इलाहाबाद में मैं 2005 में मैं घर छोड़ दिया था और 5 साल से काम पढ़ाई लिखाई का, इसके बाद एजुकेशन का। मेरा सपना था कि मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट बनूं, वो संभव नहीं हो पाया। किसी न किसी वजह से 5वें दिन इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाइड हो गया। इसके बाद मैं टीचिंग जॉब पकड़ी, बड़े पैमाने पे भी काम किया, 150-200 स्टूडेंटों को भी मैंने दिया है। किसी का 40,000 का आ रहा है, 50,000 का, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है साहब नौकरी से। यस या नो? दोस्तों ये आपका छोटा सा भाई, कोई पिताजी के समान भी बैठे होंगे। यस या नो? मेरे उम्र का उनका बेटा भी घूम रहा होगा। शरीर का बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपने इसमें लिया क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, ये सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है। यस या नो? पैसा दुनिया भी कमा रही है। ये अपॉर्चुनिटी अचानक एक ऐसे शख्स के माध्यम से मिली जो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, जानते नहीं थे, न उनको मैं जानता था ना ही वो हमें जानते थे। एक मेरे दोस्त कोई सदर बाजार में उनको बिजनेस प्लान दिए थे, उन्होंने बोला कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जो है कि नौकरी कर रहा हूँ, अपना नौकरी पेशा हमारा है, नौकरी भी करता हूँ पार्ट टाइम में, अपना जो है कि एक दुकान चलाता हूँ कॉस्मेटिक की। बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम का बहाना कर दिया। जबकि टाइम हर किसी कैलकुलेशन हर किसी के पास है, टाइम हर किसी के पास होता है, लेकिन वो व्यक्ति टाइम का बहाना कर दिया पीछा छुड़ाने के लिए। उस शख्सियत से उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, सर एक मेरा दोस्त है उसको आप अपॉर्चुनिटी बताइए, हो सकता है वो ज्वाइन कर ले, ऐसा करता है। गुरु हमारे मेंटर इलाहाबाद के नहीं, आज कई शहरों के सिटी होस्ट है। मैं चाहूंगा मेरे को, मैं बोलता हूँ आज मेरी तीसरी आंख है, जहां से मुझे नहीं दिखता है प्लानिंग वहां से उनको दिखती है। मैं चाहूंगा अब तक की जो राजधानियां हो चाहिए आवर मेंटर आवर गुरु श्री सुनील यादव सर के लिए जो राजधानियां होनी चाहिए। दोस्तों मैं बीएससी बीएड क्वालिफाइड 10th क्लास बाद पढ़े गए हैं। आर्मी में जब उनकी नौकरी लगी थी मात्र 10वीं पास में उनकी आर्मी लगी थी, आर्मी की नौकरी, 14 साल उनको सर्विस हो गई। वो व्यक्ति मुझे कैसे समझाए, गुरुजी मुझे नहीं समझा सकते थे। अपॉर्चुनिटी इतनी बेहतरीन थी और मैं समझदार था, कैलकुलेटिव इंसान था, कैलकुलेशन समझ में आ गई कि जिंदगी बीत जाएगी। आईएसपीसीएफ नौकरी करने वाले भी पीढ़ी एक ही सुधरती है, आने वाली पीढ़ी नहीं सुधरती है। मैंने भरोसा किया। दोस्तों इस सफर में मात्र अभी 8 महीने हो रहे हैं। कितने महीने? 8 महीने। 8 महीने का सफर एक बच्चा कर क्या सकता है। दोस्तों यहां से अचीवमेंट की बात करें तो हमने गोवा का भी टूर अचीव किया है, नेपाल का भी टूर अचीव किया है और मनाली का भी टूर अचीव किया है, सॉरी बैंकॉक का भी हमने जो है टूर हमने अचीव किया। ये सब कुछ हो पा रहा है गुरु जी की वजह से। दोस्तों 1.5 लाख एक साथ एक दिन की इनकम आना बहुत आसान बात नहीं है। यस या नो? बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 8 महीने की टोटल इनकम राउंड ऑफ फिगर 6,23,000 रुपए भी हो चुकी है। दोस्तों 6,23,000। थैंक यू। कैलकुलेट करके देख लेना, आप 8 से डिवाइड कर लेना महीने की इनकम क्या आ रही है। दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय कम है, आगे की भी रिकग्निशन बाकी है सारी चीजें। तो सबसे बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरु के लिए। दोस्तों गुरु भक्ति इसलिए पैसा कमा रहा हूं, अपना दिमाग चलाता तो कुछ नहीं होता। आज मैं अपने गुरुओं के लिए नमन करना चाहूंगा, कुछ अपने अंदाज में इस स्पोर्ट का खिलाड़ी रहा हूं तो कुछ अपने अंदाज में नमन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लोग नहीं रहते तो मैं यहां पे नहीं होता। मुझे इतना रिश्तेदार या पड़ोसी यहां नहीं पहुंचाया है, आज इन लोगों की छत्र छाया में रह करके यहां पे पहुंचा हूं। तो दोस्तों किसी एक को मान लेना, अपॉर्चुनिटी के हाथ पकड़ करके जिंदगी आपकी सवर जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।